नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 36 जिलों में होगा रोजगार मेले का आयोजन। 1 अगस्त से होंगे ये बदलाव जो आपकी जेब पर डाल सकते हैं असर। 3 और 4 अगस्त को मखाना महोत्सव का हो रहा है आयोजन। जानिए किन कारणों से मोबाइल फोन के कैमरे की क्वालिटी होती है खराब। बीएच वाले वाहनों के पंजीकरण के लिए जरूरी सूचना। टी20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत की जीत पर रोहित शर्मा ने दी बधाई। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जेपीएससी ने सहायक वन संरक्षक और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए निकाली भर्ती। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा सहायक वन संरक्षक और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 है। इस भर्ती के तहत 248 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए अलग अलग पदों पर अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित हैं। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। 1 अगस्त से होंगे ये बदलाव जो आपकी जेब पर डाल सकते हैं असर। आने वाला हर नया महीना कई तरह के बदलाव लेकर आता है। ऐसे में आज से नया महीना यानी 1 अगस्त शुरू हो चुका है। नए महीने की पहली तारीख के साथ ही कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। ये बदलाव सीधा आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। नए महीने से नए नियम लागू होने वाले हैं। नए नियम के तहत 50,000 रुपये से कम के लेन देन पर आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यदि आप 50,000 से अधिक का लेन देन करते हैं तो आपको शुल्क के रूप में 1% तक देना पड़ सकता है। हालांकि छात्रों को इसमें राहत दी गई है। इसके अलावा टाटा न्यू इन्फिनिटी और टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होगा। इस नए बदलाव के तहत टाटा न्यू UPI ID से लेन देन करने वाले कार्ड धारकों को 1.5% तक न्यू कॉइन्स मिलेंगे। आपको मालूम होगा कि हर नए महीने के साथ नए गैस सिलेंडर में भी बदलाव होते रहते हैं। ये दाम घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, तो आज भी LPG गैस सिलेंडर के दाम में थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं। भारत में गूगल मैप्स ने भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इस नए बदलाव के तहत कंपनी करीब 70% तक अपनी सर्विसेज चार्ज कम कर रही है। बिहार के 36 जिलों में होगा रोजगार मेले का आयोजन। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल राज्य सरकार प्रदेश के कई शहरों में 1 दिवसीय नियोजन मेला लगाने की तैयारी कर रही है। 1 दिवसीय ये मेला सितंबर से शुरू होगा और दिसंबर तक देखने को मिलेगा। मेले की शुरुआत बक्सर से होने वाली है और दिसंबर में पटना में रोजगार मेले के बाद इसकी समाप्ति होगी। इसे लेकर जिला स्तरीय नियोजन मेला का वार्षिक कैलेंडर श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस रोजगार मेले में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर जाकर निबंधन कर सकते हैं। निबंधन की यह व्यवस्था मेला स्थल पर भी युवाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये मेला लगने वाला है, जिसमें बक्सर में 24 सितंबर, गया में 17 अक्टूबर, समस्तीपुर में 24 अक्टूबर, दरभंगा में 25 अक्टूबर, सीतामढ़ी में 13 नवंबर, मुजफ्फरपुर में 14 नवंबर और पटना में 17 दिसंबर की तारीख तय की गई है। आपके शहर में ये मेला कब लग रहा है, इसकी जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो श्रम संसाधन विभाग की वेबसाइट या कार्यालय में जानकारी ले सकते हैं। अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए नहीं लगाने होंगे निबंधन कार्यालय के चक्कर। बिहार में जमीन, प्रॉपर्टी, मकान आदि की रजिस्ट्री के लिए लोगों को निबंधन कार्यालय जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको रजिस्ट्री कार्यालय जाकर इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। इसकी शुरुआत पटना के 4 निबंधन कार्यालय और जहानाबाद के 1 निबंधन कार्यालय से की जा रही है। पटना के 4 निबंधन कार्यालय में फतुहा, पटना सिटी, बिहट्टा, दानापुर और जहानाबाद निबंधन कार्यालय शामिल है। इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी है कि शुरुआत में इन 5 कार्यालयों में ट्रायल किया जा रहा है, जो 15 दिनों तक चलेगा। फिर उसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त में अस्पताल इलाज करने से करे मना, तो यहाँ करे शिकायत। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है ताकि निम्न वर्ग के लोगों को मुफ्त में इलाज का लाभ मिल सके। जो भी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड होंगे, वहाँ कार्ड धारक मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन यदि कोई आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज करने से मना कर दे तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको cgrms.pmjay.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। इसके अलावा आप इससे जुड़ी शिकायत के लिए 1-4
555 पर कॉल भी कर सकते हैं। शिकायत के तुरंत बाद एक्शन लिया जाएगा और आपकी समस्या का निदान होगा। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे नवलखा मंदिर बक्सर के बारे में। ये सबसे खूबसूरत धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय मंदिरों में से मिलती जुलती है। बक्सर में स्थित इस मंदिर की वास्तुकला को देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। सबसे ज्यादा आकर्षित लोग इसके वास्तुकला को देख कर ही होते हैं। मंदिर प्रवेश द्वार पर इसकी भव्यता भी देखते बनती है। इस मंदिर को बाहर से सुंदर मूर्तियों से सजाया गया है। आप चाहे तो यहाँ धार्मिक यात्रा के लिए आ सकते हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद बिहार के कोचिंग सेंटर की भी हो रही है जांच। अभी हाल में दिल्ली के कोचिंग सेंटर से एक मामला सामने आया था, जहां कोचिंग बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 बच्चों की जान चली गई। अब इससे ऐसी घटना को देखते हुए बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में आ चुकी है और बिहार में भी मौजूद कई कोचिंग सेंटरों की जांच की जा रही है। बिहार के पटना में बच्चों के बीच प्रसिद्ध खान सर के कोचिंग को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि खान सर की कोचिंग में भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। प्रदेश में और भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट की जाँच की जा रही है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा मानकों का कोचिंग संस्थान पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करें। इस कार्रवाई के तहत पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने शहर के कोचिंग संस्थानों में व्याप्त गड़बड़ियों को लेकर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। एक बैठक के दौरान उन्होंने 1 महीने में कोचिंग संस्थानों को सभी कमियां दूर करने के आदेश दिए हैं। यदि 1 महीने में ये कोचिंग संस्थान एक्शन नहीं लेते हैं तो उन पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। 3 और 4 अगस्त को मखाना महोत्सव का हो रहा है आयोजन। उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की तरफ से मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 3 और 4 अगस्त को ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में इसका आयोजन होगा। इसकी समय सीमा सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक रहेगी। यहाँ प्रवेश एकदम निःशुल्क है। इसका आयोजन बिहार का मखाना है पोषक तत्वों का खजाना के तहत आयोजित किया जा रहा है, जहाँ मखाना और उसके मूल्य संबंधित उत्पादों के प्रदर्शन लगेंगे और बिक्री होगी। बिहार के पैक्सों को डेयरी कारोबार से जोड़ने की तैयारी। डेयरी कारोबार से बिहार के 2560 पैक्सों को जोड़ने की तैयारी है। जहां से सुधा डेयरी दूध का उठाव होगा, वहां पैक्सों में दुग्ध संग्रह का काम भी चलेगा। सभी पैक्स आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, इसके लिए सहकारिता विभाग ने ये फैसला लिया है। इस फैसले के तहत रोजगार सृजन का माध्यम बनाने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत 2 साल में सभी 8463 पैक्सों को चरणबद्ध तरीके से बहुउद्देशीय कारोबार से जोड़ने की तैयारी है। इसमें पहले चरण में 20 लाख रुपये तक का ऋण 2500 पैक्सों को सहकारी बैंकों से दिलाए जाएंगे। इसके अलावा मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने आदेश देते हुए कहा है कि सभी पैक्सों को सालाना अंकेशन रिपोर्ट जमा करनी होगी। पूर्णिया तनिष्क शोरूम लूटकांड मामले में 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। पूर्णिया से तनिष्क शोरूम में लूटकांड मामले में 4 आरोपियों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से हथियार, कारतूस और अन्य कई सामग्री भी जब्त किए गए हैं। इस मामले को लेकर पूर्णिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने जानकारी दी है कि लूटकांड को अंजाम देने का षड्यंत्र रचने वाला पटना के बेउर जेल में बंद सुबोध सिंह है। इसने पूर्णिया के स्थानीय कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह के साथ कर पूरी योजना बनाई थी। आपको बता दें कि 26 जुलाई को पूर्णिया तनिष्क शोरूम में हुए इस कांड में बिहार पुलिस ने कई अलग अलग टीम बनाए थे और बिहार के कई जिलों समेत पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर छापेमारी की थी। राज्य के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इंटर्नशिप करना हुआ अनिवार्य। चालू सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी 46 सरकारी और 33 निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आउटकम बेस्ड पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे। इस पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को औद्योगिक इकाइयों में इंटर्नशिप करना अनिवार्य हो जाएगा। बच्चे इंटर्नशिप करेंगे तो नियोजन के दौरान भी उन्हें काफी लाभ होगा। मंगलवार को इस संबंध में राज्य प्रवैधिक शिक्षा परिषद की बैठक हुई थी, जहाँ इस बात का निर्णय लिया गया। इसकी अध्यक्षता प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह कर रहे थे। जानिए किन कारणों से मोबाइल फोन के कैमरे की क्वालिटी होती है खराब। अक्सर मोबाइल फोन खरीदते समय हम कैमरा क्वालिटी का भी खास ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपना मोबाइल फोन कितने भी बेहतर क्वालिटी का कैमरा देखकर खरीद लें, अगर हम कुछ बातों का ख्याल नहीं रखते हैं तो ये तुरंत खराब हो सकता है। इसमें सबसे पहले आता है बाइक या स्कूटी राइड करते समय लोकेशन ढूंढने के लिए GPS का यूज़ करना। ऐसा करने के लिए फ़ोन को अपने बाइक पर फिक्स कर देते हैं लोग, लेकिन इस दौरान सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन से आपके फ़ोन का कैमरा डैमेज हो सकता है।
इससे बचने के लिए आप स्पेशल माउंटिंग किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लेजर लाइट की वजह से भी आपके फ़ोन का कैमरा खराब हो सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान भी फ़ोन के कैमरे से फोटो लेने पर इसका असर लेंस पर पड़ सकता है। साथ ही तेज धूप में भी फ़ोन का कैमरा इस्तेमाल करने से ये खराब हो सकता है। किसानों की समस्या के हल के लिए कृषि मंत्री ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ की बैठक। प्रदेश में बंद हो रहे कोल्ड स्टोरेज के मामले को लेकर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि बिहार में अधिकतर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। ऐसे में कृषि प्रधान राज्य होने के बाद भी यहाँ कोल्ड स्टोरेज की कमी है। कोल्ड स्टोरेज के अभाव में फसल हर साल बर्बाद हो जाते हैं, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए कृषि मंत्री ने कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के साथ बैठक कर उनकी परेशानी सुनी। बैठक में ही इस बात का खुलासा हुआ कि कई जिलों में पहले कोल्ड स्टोरेज तो थे, लेकिन अब वे बंद हो गए हैं। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज मालिकों की समस्या दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है। किसानों के फसल को बचाने की अवधि के लिए कोल्ड स्टोरेज को और बेहतर किया जा रहा है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त हो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। बीएच वाले वाहनों के पंजीकरण के लिए जरूरी सूचना। आईपीआरडी बिहार ने बीएच सीरीज वाले गाड़ियों के पंजीकरण के लिए जरूरी सूचना जारी की है। 2013 बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994 की धारा 7(1) के साथ पठित लिखित नोट को लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत बीएच सीरीज में वाहनों के पंजीकरण के मामले में 2 साल या 2 साल के गुणक में लागू मोटर वाहन टैक्स अब 14 साल के लिए लगाए जाएंगे। जो वाहन बीएच सीरीज के तहत टैक्स का भुगतान करके केवल 2 साल के लिए रजिस्टर्ड हैं, उन वाहनों को शेष 12 सालों के टैक्स 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे। टैक्स नहीं देने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। आज प्रदेश में इन जगहों पर बारिश की है संभावना। बिहार में ठीक तरीके से बारिश नहीं होने के कारण किसानों पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर इस वजह से सुखाड़ की स्थिति बनती जा रही है। हालांकि बीते दिन राजधानी पटना में कई जगहों पर छिटपुट वर्षा देखने को मिली। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज बिहार के पश्चिम भाग और दक्षिण पूर्वी भाग में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। उत्पाद विभाग ने 247 कार्टून अंग्रेजी शराब किए जब्त। विभिन्न चेक पोस्टों पर उत्पाद विभाग के सचिव और समाहर्ता ने जांच के निर्देश दिए थे। इस मामले में अब टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल उत्पाद विभाग ने डुमरी चेक पोस्ट से एक ट्रक में 247 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किए हैं। जब्त किए गए ये शराब करीब 2205 लीटर के करीब में है। इस दौरान एक चालक और उपचालक को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान नवादा जिले के काशीचक गांव निवासी राजन कुमार झा और नालंदा जिले के प्रहलाद नगर के निवासी के रूप में हुई है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। अब किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सुअर और नील गायों से निपटेगी बिहार सरकार। प्रदेश में अक्सर किसान जंगली सुअर और नील गायों की तबाही से परेशान रहते हैं। ये जानवर कई बीघा में किसानों के लगे फसल को तबाह कर देते हैं, लेकिन अब इस परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार ने इससे निपटने की योजना बनाई है। बिहार में इन जानवरों के आतंक से सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और बक्सर जिला परेशान रहता है। लेकिन अब इन जानवरों को मारने के लिए कृषि विभाग आगे आ चुका है। इसमें वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के पैनल के आखेटकों का सहयोग भी लिया जाएगा। इस संबंध में बैठक के दौरान इन सभी बातों का निर्णय लिया गया है। पटना डाक विभाग फिलेटेली का कर रहा आयोजन। पटना डाक विभाग की तरफ से फिलेटेली का आयोजन सितंबर और अक्टूबर महीने में होगा। ये प्रदर्शनी जिला स्तर पर आयोजित होगी, फिर नवम्बर महीने में इसका आयोजन राज्य स्तर पर किया जाएगा। जिला स्तर पर इसका आयोजन सारण, भोजपुर, वैशाली, नालंदा और नवादा में किया जाएगा। वहीं राज्य स्तर पर इसका आयोजन पटना ज्ञान भवन में होगा। डाक विभाग के राबिन चंद्र ने जानकारी दी है कि इसकी प्रदर्शनी 28 से 30 नवंबर में होगी। यदि आप फिलेटेली नहीं जानते तो आपको बता दें कि एक डाक टिकटों का संग्रह होता है। बिहार विधानसभा से देश की पहली महिला विधायक एथलीट को ओलंपिक में मिली निराशा। बिहार विधानसभा की सदस्य श्रेयसी सिंह देश की पहली ऐसी विधायक बन चुकी हैं जो ओलंपिक तक पहुंची हों। सियासी मैदान में श्रेयसी सिंह का तो खूब जलवा दिखा, लेकिन पेरिस ओलंपिक में श्रेयसी शॉटगन ट्रैप स्पर्धा में थोड़ा चूक गई।
श्रेयसी को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करना था, हालांकि इसमें वो 22वें स्थान पर आई हैं। श्रेयसी बिहार में इस वक्त जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और ये ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंची थी। एक बार फिर से अपना जनाधार मजबूत करने में लगे पशुपति पारस। एक बार फिर से पशुपति पारस बिहार में अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश में लग चुके हैं। अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए पशुपति पारस जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में उनके भतीजे और पूर्व सांसद व प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, पूर्व सांसद चंदन सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल और पूर्व विधायक सुनील पांडे समेत सभी जिलाध्यक्ष मौजूद थे। इस बैठक में राष्ट्रीय लोजपा ने तीसरी सीट पर अपना दावा ठोका है। आपको बता दें कि बिहार में तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। पशुपति पारस ने इस चुनाव को लेकर सभी को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत की जीत पर रोहित शर्मा ने दी बधाई। T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने श्रीलंका को 3-0 से हराया। आपको बता दें कि इस तीसरे T20 मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। इस दौरान भारत ने श्रीलंका को 138 रनों का टारगेट दिया था। T20 सीरीज में इस जीत के बाद रोहित शर्मा भी काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के जरिए भारतीय टीम को बधाई दी। इस दौरान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की एक तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर में कैप्शन में उन्होंने लिखा था, परफेक्ट स्टार्ट, वेल डन टीम इंडिया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। आज के दिन वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। आज के दिन वर्ष 1932 में जानी मानी हिंदी फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1953 में देश में सभी एयरलाइंस का हवाई निगम अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकरण किया गया था। आज के दिन वर्ष 1957 में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1975 में दुर्गा बनर्जी वाणिज्यिक यात्री विमान का संचालन करने वाली विश्व की पहली पेशेवर महिला पायलट बनी थी। आज के दिन वर्ष 2004 में श्रीलंका ने भारत को हराकर क्रिकेट का एशिया कप जीता था। आज के दिन वर्ष 2007 में वियतनाम के हनोई शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारतीय दल के 6 सदस्यों ने 3 रजत पदक जीते थे। ITR फाइलिंग को लेकर वायरल हो रहा ये दावा। सोशल मीडिया पर साझा किए गए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय के एक परामर्श को ITR दाखिल करने की नियत तिथि के विस्तार के रूप में गलत समझा जा रहा है। साथ ही कई जगहों पर दावा किया जा रहा है कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही थी, इसलिए इस तरह की भ्रामक खबरों पर ध्यान देने से बचे। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया है। सीटेट जुलाई 2024 परीक्षा का CBSE ने जारी किया रिजल्ट। सीटेट जुलाई 2024 परीक्षा का रिजल्ट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट seated.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। आपके रिजल्ट देखने के लिए आवेदन संख्या और तिथि की जरूरत होगी। मालूम हो कि उम्मीदवारों को सीटेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कम से कम 60% अंकों की जरूरत होती है, हालांकि आरक्षित वर्ग को इसमें रियायत दिए जाएंगे। अब फ़ोन में बार बार नहीं होगी स्टोरेज की समस्या। अब फ़ोन में बार बार नहीं होगी स्टोरेज फुल होने की समस्या। कई बार हमारे फ़ोन में स्टोरेज फुल होने के कारण फ़ोन की मेमोरी से फ़ोटो और वीडियो ना जाने कई चीज़ें डिलीट करनी पड़ती थी। ऐसा करते करते कई बार हम परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि गूगल फ़ोन की मेमोरी खाली करने के लिए एक नया फीचर लेकर आया है। ये फीचर आपके फ़ोन में ऐप्स द्वारा स्पेस कैप्चर किए जाने की परेशानी को ख़त्म करता है, जिससे फ़ोन का स्टोरेज जल्दी फुल भी नहीं होता है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में दिए गए ऑटोमेटिकली आर्काइव ऐप्स के फीचर को इनेबल करना होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन है UAE, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी इटली। इसका सही उत्तर है जापान।
हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहां एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है। ऑप्शन है दरभंगा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है सिकंदराबाद, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही उत्तर है दरभंगा। मगही का शैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लक्ष्मी नारायण पाठक, ऑप्शन बी है सुरेश दुबे, ऑप्शन सी है बाबा कदम दास, ऑप्शन डी है बाल गोविंद मिश्र। इसका सही उत्तर है सुरेश दुबे। भारत रत्न जीतने वाले बिहार से पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है वेद प्रकाश सिंह, राजकुशोर महतो, अंकित कुमार कैफी, तुलसी ऋषिदेव, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, रंजन कुमार, बिरजू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र में भी किसान जंगली सुअर और नीलगाय के आतंक से परेशान हुए हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।